नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट एकेडमी पर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन SSC, CGL या RRB वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारी संख्या है 33, यानी 33 हमारी संख्या है, हमें इसका वर्ग निकालना है, 33 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। x² / 2xy / y² तो इस संख्या को हम xy मान लेते हैं, यानी x बराबर 3 और y = 3। x = 3 y = 3 तो अब इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूले में। तो x की वैल्यू रख दें तो 3 का वर्ग (2×3×3)/3। 3×3 9 / 3×6 = 18 / 3×9। अब ये हमारा आ गया। अब हम इसको कैसे बैठाएंगे? तो देखो, इसको ले लेते हैं, यानी 9 के साथ फिर 18 और के बाद ये 9। अगर ये 9 की जगह अगर बाई चांस 29 आता या 29 आता तो 2 जो है 8 के नीचे आ जाता। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 9 और 8 का 8 और ये 9 और 1 10, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 10 89 हमारी वैल्यू आएगी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी कि इस प्रकार से निकालते हैं। और भी क्वेश्चन है, और भी देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ले लेते हैं 53। मान लो 53 का हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2xy (2xy)/y². तो रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है? 5 / 2×5×3/3। तो 5 25 / 5×10 = 30 / 3×9। तो ये आ गया। अब हम इसको कैसे देखेंगे, यानी 25 फिर 30 और फिर 9, 9 इसके बाहर लग देंगे, 9 हो गया, 30 हो गया, 3 का 0 का 0 हो गया, 5 3 8 हो गया और 2 हो गया, 2809। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 2809। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आई होप आप जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए, या फिर एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। चलो ले लेते हैं 99 हम ले लेते हैं। तो 99 का वर्ग करेंगे, तो 99 का वर्ग हमें निकालना है तो हमें ट्रिक पता ही है, x² / (2xy) / y² ठीक है। तो 9×81, x की वैल्यू 9 81 / 2×9×9 / 81, ठीक है। तो दोस्तों, हमने समझ में आ गया होगा, x = 9 और y = 9। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितना हुआ? 81 9 × 18 = 162, ठीक है, 18 × 162 × 81। अब इसको कैसे लिखेंगे?
इक्यासी, 162 और 81, 1, 8, 2, 10, 6 और 1, 7 और 1, 8 और 8 और 1, 9, 9801। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 9801। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और छोटी सी ट्रिक है, बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।